अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद मंज़ूर हुसैन माहिर क्लिनिक से। अभी हम अपने वीडियोस का सिलसिला जारी रखते हैं। अगर आप चाहते हैं हम किसी खास मौजू पे बातचीत करें तो आप हमें info@myhairclinic.com पे या मोबाइल और व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं 03211554554। तो आप हमें लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि किसी खास मौजू पे बात हो। आज का मौजू है एलोपेसिया एरियाटा। एलोपेसिया एरियाटा को हम अपनी ज़बान में बालचार कहते हैं। मेरे ख्याल में सबको ही इससे वाकिफ होंगे। बालचार अमूमन ये देखा जाता है कि एक महदूद जगह पे एक स्पॉट के तौर पर, एक महदूद स्पॉट के तौर पर राउंड शेप में या ओवल शेप में बाल चढ़ते हैं। अब वो सर के स्कैल्प में भी हो सकते हैं, दाढ़ी में भी ये बाल चढ़ सकते हैं, मूछों में भी बाल चढ़ सकते हैं इसी तरह। और वो बिल्कुल एक बोल्ड सा पैच बन जाता है, स्पॉट बन जाता है जहाँ बाल नहीं रहते। अमूमन ये खुद बहुत ही ठीक हो जाता है और ट्रीटमेंट के बगैर भी, लेकिन कुछ ऐसे हालात भी होते हैं कि ये बहुत लंबे अरसे के लिए रहता है। इसकी तीन किस्में हैं एलोपेसिया एरियाटा की। इसको एक जो हम जो स्पॉट होता है उसको हम एलोपेसिया एरियाटा ही बोलेंगे। एक है एलोपेसिया टोटालिस। टोटालिस से मुराद ये कि पूरे सर के बाल या तकरीबन पूरे सर के बाल ख़त्म हो जाते हैं। मे बी 2-4% बाल रह जाते हैं मैं दूध से एरिया में, लेकिन पूरे के पूरे सर सम्प्लिकेटेड होते हैं और अमूमन उस सूरत में फिर विग पहनने की ज़रूरत पड़ती है। एक उसकी किस्म है एलोपेसिया यूनिवर्सालिस। उस कंडीशन में ये होता है कि पूरे जिस्म के बाल, चाहे वो सर के बाल हैं, आईब्राउस, आईलैशेस, बाजुओं पे, चेस्ट पे, बैक पे, इवन प्राइवेट पार्ट्स से भी बाल ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि मुकम्मल तौर पर बालों की जड़ों को इतना दबाया जाता है कि वो ख़त्म ही हो जाते हैं। ये मुख्तलिफ इनकी किस्में हैं और इस सिवेरिटी भी इसकी मुख्तलिफ होती है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ये एलोपेसिया एरियाटा होता क्यों है। वैसे ज़्यादातर जो हम थ्योरी है वो यही है कि शायद ये ऑटोइम्यून है। ऑटोइम्यून इम्यून सिस्टम वो होता है जो हमारे जिस्म का एक दिफाई निज़ाम होता है। फ़र्ज कोई इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरिया वायरस जिस्म में आ जाता है, वायरसेस आ जाते हैं, तो उसके जिस्म की दिफा के लिए जब पता चलता है कि ये दिफाई निज़ाम जब देखता है कि ये तो बैक्टीरिया इंटर हो गया किसी ज़ख्म के थ्रू, किसी खाने के थ्रू, तो उसमें एक रिस्पांस पैदा हो जाता है कि चलें इसको तो हम ख़त्म करें, ये बैक्टीरिया हमें नुकसान कर रहा है। अब कभी कभार ऐसे होता है कि इम्यून सिस्टम को ये समझ नहीं आती कि ये तो हमारे अपने सेल्स हैं, ये जड़ें बालों की ये हमारी अपनी हैं। डायबिटीज़ का भी ये ख्याल किया जाता है कि ये भी शायद ऑटोइम्यून है, कि इम्यून सिस्टम को थोड़ी सी समझ नहीं रही कि ये अपनी चीज़ है या पराई चीज़ है और ये हम पे हमला कर रही है या ये हमारे फ़ायदे वाली सेल्स हैं। थायराइड की भी कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो ऑटोइम्यून है, और भी काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं जो ऑटोइम्यून होती हैं। और ज़्यादा ख्याल ये किया जा रहा है कि एलोपेसिया एरियाटा में ऑटोइम्यून एक बीमारी है कि हमारा अपना दिफाई निज़ाम ही बालों को, जड़ों को दबा देता है और समझता यह है कि शायद ये नुकसानदेह जड़ें हैं और नुकसानदेह सेल्स हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि अगर महदूद अरसे के लिए अगर एक्सपॉट बना तो वो खुद बहुत ठीक हो जाएगा। 6 माह, 3 माह, 8 माह में वो खुद बहुत ठीक हो जाता है। अब फ़र्ज़ करें अगर ये स्पॉट 6 महीने में ठीक होने वाला है, तो 5वें महीने में अगर मरीज़ किसी के पास चला जाता है, कहता है कि डॉक्टर साहब या किसी हकीम के पास या किसी थर्ड पर्सन के पास चला जाता है, 5वें महीने में वो किसी के पास जाता है और कहता है कि देखें जी मेरी ये तकलीफ़ है, आपके पास अगर आपको मशवरा हम मुझे दें, तो 5वें महीने में जो भी कोई मशवरा देगा वो 1 महीने में, तो वैसे उसके बाल आने वाले थे, तो उस तरह कहे जी आप ये तेल लगाएं या ये टीका लगाएं, इवन डॉक्टर्स भी अगर लगा रहे हैं या कोई और ट्रीटमेंट करते हैं, तो चूंकि उसकी मुद्दत ख़त्म होने वाली थी बालचार की, तो वो खुद बहुत बाल ठीक होने वाले थे। तो सेहरा सारा उस आदमी को दिया जाता है जिसने ट्रीटमेंट किया, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई हकीम हो या कोई थर्ड पर्सन। लेकिन ये इसकी स्पॉन्टेनियस हीलिंग होती है, तो ज़रूरी नहीं कि वो उस मेडिसिन की वजह से ठीक हुआ हो।
अल्पलिसिया अरेआटा की कोई क्योर नहीं है सच, ऐसे नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसा इलाज हो कि हम जड़ों से इस मर्ज़ को ख़त्म कर दें, यानी कि इम्यून सिस्टम को मुकम्मल तौर पे समझा पाएँ कि देखें ये आपके अपने सेल हैं या अपने सर बालों के जड़ें हैं, इनको मत छेड़ें, इनको बाल प्रोड्यूस करने दें। कोई ऐसे क्योर नहीं है। हमारे पास मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हम उसको कंट्रोल करते हैं, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स या दिफाई निज़ाम जो छेड़ा छाड़ी कर रहा है उसको, दिफाई निज़ाम को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि ये काम मत करें, लेकिन मुकम्मल तौर पे उसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसकी मिसाल आप यूँ ही ले लें, जिस तरह डायबिटीज़ है, अब शुगर में हम दवाई तो देते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि शुगर के असरात ना नज़र आएँ। मर्ज़ तो उधर का उधर ही है, अगर दवाई छोड़ देते हैं तो मर्ज़ अपनी जगह अपना असर कर रहा है। हाई ब्लड प्रेशर का भी यही हाल है कि हम एक दवाई देकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर इतना हाई ना रहे, नीचे आ जाए। दमे में भी यही है। तो एक क्योर वो चीज़ है जो हम मुकम्मल तौर पे एक मर्ज़ को ख़त्म ही कर चुके हैं, जड़ें उसकी ख़त्म हो गई हैं, तो वो एलोपलेसिया एरेआटा में नहीं। इसमें ट्रीटमेंट्स हैं, इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम दबा सकते हैं कि इसका असर ना रहे या कम असर रहे। और ट्रीटमेंट देने के बावजूद और कामयाब ट्रीटमेंट देने के बावजूद ये फिर से वापस आ सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि अगर हमने आज ट्रीटमेंट किया और फ़र्ज़ करें विद इन 2 मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स अगर रिज़ल्ट नज़र आ गए बिल्कुल वाज़ह तौर पर, फॉर इंस्टेंस अगर स्टेरॉयड ट्रीटमेंट किया, अगर 6 माह के बाद अगर बाल आ गए हैं तो हमने स्टेरॉयड ट्रीटमेंट छोड़ दिया, फिर उस तरह वो सारे के सारे बाल फिर झड़ जाएँ, तो क्योर नहीं है। और ये कामयाब ट्रीटमेंट के बावजूद भी ट्रीटमेंट को जब डिसकंटिन्यू करते हैं तो ये भी मुमकिन है कि फिर से बाल झड़ की जो फ्रीक्वेंसी है या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो फिर से बढ़ जाए। जैसे मैंने कहा कि इसका क्योर नहीं है, इसमें मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं और कई दफ़ा हम इन ट्रीटमेंट्स को कंबाइन करके चलते हैं कि एक एंगल से हमने इम्यून सिस्टम को संभालने की कोशिश की, दूसरी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि जड़ों में ज़रा ज़्यादा मजबूती आए, कि इसके बावजूद कि इम्यून सिस्टम इससे छेड़ा है तो जड़ें फिर भी बाल प्रोड्यूस करती रहें। तो इसमें हमने लिस्ट किए हुए हैं कुछ ट्रीटमेंट्स, स्टेरॉयड इंजेक्शंस, स्टेरॉयड इस्तेमाल किया जाता है, स्टेरॉयड इंजेक्शन की सूरत में या स्प्रे की सूरत में या टैबलेट की सूरत में इस्तेमाल की जा सकती है। मिनोक्सिडिल हमने उस मौजू पे एक और वीडियो पे भी बात किया, ये एक टॉपिकल है, यानी कि ये जिल्द को अप्लाई की जाती है, एक स्प्रे है, लिक्विड है जो सर को 2 मरतबा डेली लगाई जाती है। माइक्रो नीडलिंग का भी जिक्र हमने किया है नॉन सर्जिकल हेयर रेस्टोरेशन के वीडियो में, और इसी तरह प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के बारे में भी जिक्र हुआ। एक एंट्रेलिन मेडिसिन है जो स्किन स्पेशलिस्ट किसी और ट्रीटर स्किन डिजीज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। और एक टाई फिनाइल साइक्लोप्रोपेनोन DPCP ट्रीटमेंट है जो कि जिसमें भी एलोपेसिया एरेआटा की ट्रीटमेंट की जा सकती है, और टोफैसिटिनिब, ये तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, ये भी एक ट्रीटमेंट है। इनकी ट्रीटमेंट्स जो हैं, स्टेरॉयड का ट्रीटमेंट अगर इंजेक्शन के तौर पर हम देते हैं तो तकरीबन 1 सेंटीमीटर के फासले से हम इंजेक्शन्स लगाते हैं, वो 3, 4, 6 हफ्तों का वक्फा हम बीच में डालते हैं और तकरीबन 5, 6, 7 हफ्तों में, 4, 5, 6, 7 हफ्तों में इसके कुछ रिजल्ट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। मिनोक्सिडिल रोगेन के नाम से मिलती है इंटरनेशनली, पाकिस्तान में है मैक्स प्लस और मिनोक्स के नाम से ये दवाई मिलती है। इसको PRP के साथ और माइक्रो नीडलिंग के साथ कंबाइन किया जा सकता है, और इसको टॉपिकल स्टेरॉयड के साथ और स्टेरॉयड टैबलेट्स के साथ भी कंबाइन करते हुए एलोपेसिया एरेआटा की हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें अगर रोगन अकेले में इस्तेमाल की जाए तो तकरीबन 3 माह या 3 माह से ऊपर टाइम लगता है इसके कुछ रिजल्ट्स आने में। एंट्रालिन एक ट्रीटमेंट है, टार है बेसिकली, और ये स्किन पे लगाई जाती है, इससे एक इरिटेशन पैदा की जाती है, और इसमें
ये रंग जो है ये कपड़ों को भी स्टेन कर सकते, स्किन को भी स्टेन कर सकते। ये 20 मिनट से लेकर 50-60 मिनट तक स्किन को लगाई जाती है और उसके बाद फिर इसको वॉश ऑफ कर देते हैं। रिजल्ट्स आने में तकरीबन 2 की माह लग जाते हैं। टीफेनाइल साइक्लोप्रोपेनोन ये एक ट्रीटमेंट ऐसी है जो पहले तो हम स्किन को लगाते हैं और जानबूझकर एक बहुत सीरियस किस्म की रिएक्शन पैदा करते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, यानी पहले एक छेड़ते हैं स्किन को ठीक ठाक और इसके साथ साथ हम इम्यून सिस्टम को छेड़ते हैं। उसके बाद फिर यही दवाई जब पहली ट्रीटमेंट के बाद फिर कम मिकदार में आहिस्ता आहिस्ता मिकदार बढ़ाई जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है, तो ये फिर स्कैल्प को लगाते हैं और ये भी काफ़ी हद तक काफ़ी पेशेंट्स को इससे फ़र्क पड़ता है। और इसके भी रिजल्ट्स तकरीबन 3 माह के बाद नज़र आने शुरू होते हैं। इससे आगे मज़ीद एक ट्रीटमेंट है यल्जेंस के नाम से, इसमें मेडिसिन का नाम है ट्रूफेसी टिबिन टिलिप, और ये हम नहीं, मैं हमारी क्लिनिक में हम ट्रीटमेंट ये नहीं करते, लेकिन जो गेंटिया की ट्रीटमेंट करते हैं रूमेटोलॉजिस्ट या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो ट्रीटमेंट करते हैं उन डॉक्टरों से भी इसके बारे में मशवरा लिया जा सकता है। बहरहाल इसमें कुछ पेशेंट्स को वाजह रिजल्ट्स आए हैं, इवन अप टू 90% जैसा कि आप देख सकते हैं, और 7, 13 में से 7 पेशेंट्स की ग्रोथ 50% से ज़्यादा हुई थी। हमारा जो रेजिमेन है और प्रोटोकॉल है लॉस एलोपेसिया एरेटा की ट्रीटमेंट में, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हमारे पास रिजल्ट्स हैं। और वो मंथली बेसिस या वीकली बेसिस पे ट्रीटमेंट होती है, 6 से 8 माह तक। वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है, हर एक पेशेंट को देखकर उसके मुताबिक फिर हम सजेशन देते हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट दी जाए। अब एक पेशेंट को हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं बिफोर आफ्टर पिक्चर्स की। ये हमने इनकी ट्रीटमेंट शुरू की थी तस्वीरों से 2 माह पहले, और टोटल 2 ट्रीटमेंट्स ये ले चुके हैं और सेकंड ट्रीटमेंट से 1 माह के बाद ये रिजल्ट्स आए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो बिल्कुल बोल्ड एरियाज थे वहाँ पर एक बहुत वाजह चेंज आई है, बहुत वाजह हेयर ग्रोथ हुई है। अभी सिर्फ ये 2 ट्रीटमेंट्स हैं, अभी हमने 6 और ट्रीटमेंट्स करने हैं। तो ज़ाहिर है इस पोजीशन में तो इनकी हालत ऐसी नहीं है कि हम ये कह सकें कि जी आप किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है या विक की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन ये 2 ट्रीटमेंट्स में और टोटल 2 मंथ में जो एक चेंज आई है उससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट। ये एक नया प्रोटोकॉल है जो हमने शुरू किया और ये इस पे इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि अगर इसकी साइंटिफिक पब्लिकेशन भी हो जाए। खैर जैसा मैंने कहा कि एलोपेलिया एरेटा के जो जो खोस है उसमें काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा वेरिएशन हो सकती है। कुछ खुद बहुत ठीक हो जाते हैं, एक दफ़ा वो स्पॉट होता है ठीक हो जाता है और हमेशा के लिए फिर वो ठीक रहते हैं। कुछ लोगों के फिर से रिलैप्स होता है, एक स्पॉट पहले था फिर शायद सेकेंड टाइम 1 या 2 स्पॉट थे और खुद बहुत ही ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पहली दफ़ा ही बहुत सीरियस किस्म की एलोपेलिया एरेटा के शिकार होते हैं, या पूरे सर के बाल झड़ जाते हैं, जिस्म के बाल भी झड़ जाते हैं, और उनकी ट्रीटमेंट करते हैं अगर कामयाब होते हैं तो हो सकता है ट्रीटमेंट छोड़ने पे फिर से बाल झड़ जाएँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक वेरिएशन है, लेकिन यह है कि इसके लिए इसका इलाज किया जा सकता है। और अगर बिलफर्ज अगर किसी की ट्रीटमेंट नहीं होती है, वो दवाई या ट्रीटमेंट नहीं ले सकते कॉस्ट की वजह से या साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से या और कोई वजह से, तो सूरत में उन पेशेंट्स के लिए विक भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आईब्रोज के लिए वो टैटूस वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और काफ़ी अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी वो गुजार सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है खसूसन औरतों में ये एक बहुत बड़ी परेशानी होती है, और इवन ज़ाहिर मर्द भी इससे काफ़ी परेशान होते हैं अगर बहुत ज़्यादा बालचार हो ज़्यादा देर तक रहे। बहरहाल अगर आप चाहते हैं इसकी असेसमेंट तो इसके लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास मौजू पे कोई वीडियो बनाएं तो उसके लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारा ईमेल है info@myhairclinic.com।
मोबाइल नंबर व्हाट्सएप है 03211554554। इसी तरह ही अगर आप बाहर से हमारे साथ रब्ता करते हैं तो व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर है +92321554554। अभी के लिए हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।